नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। आज के विशेष समाचार के अनुसार, लेह में युवा प्रतिनिधियों का गर्म जोशी से हुआ स्वागत, आज Y20 बैठक में होंगे शामिल। जी हां, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह हवाई अड्डे पर मंगलवार को युवा प्रतिनिधियों का गर्म जोशी से हुआ स्वागत। शिखर सम्मेलन के तहत Y20 बैठक 26 से 28 अप्रैल तक लेह में होगी। 3 दिवसीय Y20 प्री समिट में भाग लेने के लिए युवा कल लेह पहुंचे, जिसमें G20 देश व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के Y20 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस प्रमुख आयोजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 28 अप्रैल को विभिन्न देशों के प्रतिनिधि को धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों सहित विभिन्न स्थानों पर भी ले जाया जाएगा। इसके बाद प्रतिनिधि 29 अप्रैल को नई दिल्ली लौट जाएंगे। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है। इस सम्मेलन को नजर में रखते हुए लेह के मुख्य बाजार, सड़कें और महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का सौंदर्यकरण किया जा चुका है। लद्दाख की अनूठी संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए Y20 की बैठक की मेजबानी करना बहुत ही गर्व की बात है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे द राइट न्यूज पर। नमस्कार।